भारत के लोगों क्या लड़की इंसान नहीं, ऐ मेरी भारत के लोगों क्या लड़की इंसान नहीं। लड़की का है मान जगत में पर लड़की का मान नहीं, ऐ मेरी भारत के लोगों क्या लड़की इंसान नहीं, ऐ मेरी भारत के लोगों क्या लड़की इंसान नहीं। और जिस घर लड़का पैदा होता खुशियां खूब मनाते हैं, नारी मंगल शोहर गाते लड्डू बांटे जाते हैं, नारी मंगल शोहर गाते लड्डू बांटे जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर जिस घर में लड़का पैदा हो जाता है तो उस घर की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, इतने लड्डू बंटवाए जाते हैं, गीत मंगलाचार होते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर लड़की जन्म ले लेती है तो भैया चेहरे उतर जाते हैं। जिस घर लड़का पैदा होता खुशियां खूब मनाते हैं, नारी मंगल शोहर गाते लड्डू बांटे जाते हैं, नारी मंगल शोहर गाते लड्डू बांटे जाते हैं। अगर यही पर लड़की जन्मे, अगर यही पर लड़की जन्मे तो उसका सम्मान नहीं, ऐ मेरी भारत के लोगों क्या लड़की इंसान नहीं, ऐ मेरी भारत के लोगों क्या लड़की इंसान नहीं। कितना भेदभाव किया जा रहा है हमारे समाज के अंदर, लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा उसे दिलाते हैं, बेचारी लड़की को घर में बर्तन साफ कराते हैं, क्योंकि अगर लड़के की बात आती है फिर चाहे उसे विदेशों में क्यों ना भेजना पड़े तो लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उसे एक अच्छे स्कूल में उसका प्रवेश करवाते हैं। लड़के को स्कूल भेज कर शिक्षा उसे दिलाते हैं, बेचारी लड़की से घर में बर्तन साफ कराते हैं, और लड़का पिता का सम्मान है पर बेटी सम्मान नहीं, लड़का पिता का सम्मान है पर बेटी सम्मान नहीं, ऐ मेरे भगवान बता दे क्या लड़की इंसान नहीं, ऐ मेरी भगवान बता दे क्या लड़की इंसान नहीं।
बड़ी बहन वो मायावती जी भारत पे जिसने शासन किया है, लड़के की सावित्री बाई शिक्षक जिसने कार्य किया है। क्योंकि आज जो हमारे देश में पहली जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इस देश भारत की इंदिरा गांधी जी, उसके बाद में बहन मायावती जी जो इस देश पर कभी उन्होंने शासन किया था और आज वो भी करना चाह रही हैं, ये देन किसकी है? वो सावित्री बाई फुले की है। तो मैं कहना चाहूंगी, क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो इंदिरा गांधी लड़की नहीं थी? क्या वो सावित्री बाई लड़की नहीं थी जिन्होंने अपने समाज में अपनी माता बहनों को बढ़ाने का कार्य किया है?